तो आज गाइज मैं खड़ा हूँ मेरे दोस्त इकबाल खान के हॉस्पिटल के अंदर, जो आपको ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। मेरे पास का ही है, मेरे दुकान के पास ही है। आज ही दुकान निकल रहे हैं सफाई हॉस्पिटल की, और हम यहाँ खड़े थे तो हमको इन्होंने कह दिया कि मेरा एक वीडियो बना दो, फेमस हो जाएंगे। फेमस हो जाएंगे तो ये चाहता है, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन तो वीडियो फेमस होने की दुकान से होगा। किस्मत नहीं, लोग ऐसे हैं जो मेरे को फॉलो ही नहीं करते, मेरे को फॉलो मतलब मेरा पीछा करना। मैं भी फॉलो बैक नहीं दे रहा पता है। निकलो थे तो ये, अरे तुमने बुरा दिया यार कि देखो ये मेरा दोस्त है जो मेरे को अनफॉलो करता है, और ये खुद कहता है कि मेरा वीडियो बनाओ, और अभी बोल रहा है कि मैं आपको डिसलाइक करता हूँ। बोलो क्या जमाना है भाई, जमाना बहुत उल्टा सुलटा है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये इनका क्लिनिक है, ये एक डॉक्टर है, गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन ये प्राइवेट के रूप में एक रहे हुए हैं, लेकिन महीने का ये 1-2 लाख रुपए इनकमर की हो जाती है ना, जरूर हो जाती है ना, 2 लाख शायद ये कमा जाते हैं। ये इनका हॉस्पिटल में आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये अंदर से व्यू आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा। ये है रिसेप्शन, जहाँ पर लोगों से पूछताछ की जाती है, मतलब पूछताछ मतलब उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या बीमारी है, ठंड में हो गया पंखा चालू, गजब हो गया, बंद करो भाई हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, डॉक्टर नहीं मरेगा लेकिन मैं मर जाऊंगा। तो गाइस ये है बीपी चेक करने की, ब्लड प्रेशर मशीन जिससे चेक किया जाता है ब्लड प्रेशर, हो ब्लड नहीं खून नहीं, ब्लड प्रेशर। इनकी चेयर है, और ये है, जानते होंगे लेकिन बता रहा हूँ, स्टेथोस्कोप, और इससे चेक किया जाता है टेम्परेचर, तापमान। और ये है क्या बोलते हैं ये इकबाल, पल्स ऑक्सीमीटर। ये क्या है भाई साहब इकबाल, ये प्लस ऑक्सीमीटर मतलब हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल नापने का, प्लस ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल मापने का ये एक यंत्र है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर, सॉरी। और ये है इनका खाली डिब्बा, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है लाइफ केयर हॉस्पिटल। तो गाइस ये इनका छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ है मेरी दुकान इससे आगे, आपको पता है मैं एक इमित धारक हूँ, और ये हॉस्पिटल है बता दिया मैंने आपको। और ये है, ये थे, ये इस हॉस्पिटल के मालिक भी थे लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत मिस करता हूँ। उनका नाम राणमल सेठ है, जो हमको बीच में छोड़ चले गए, बहुत सेठ फील कर रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये उनका हॉस्पिटल और मरीजों के लिए क्या होता है वो आपको मैं आप थोड़ा बताता हूँ, ये देख लीजिए। ये है प्लान, सोफा नहीं है आप इसे बोलते हो, बोल सकते हो कि भाई मतलब क्या बोलते रहे, कोई मरीज आता है उसको यहाँ सुलाया जाता है, सबको बताया, मेरे को बताया ना, मैंने बता दिया। तो ये इनका अंदर का व्यू है पूरा, और यहाँ लगी हुई है एसी, लेकिन एसी 2 महीने से कुछ भी नहीं कर रही है क्योंकि अब ठंड बढ़ रही है ना, ठंड के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। बाहर का व्यू ये अंधेरा है, शाम होने जा रही है, शाम हो चुकी है, और ये दुकानें वगैरह बंद हो चुकी है, और रोशनी चालू हो चुकी है, और ये है और ये जो पूरा इलाका है वो हमारा गांव का ही है, और वो मेरी दुकान है। अभी मैंने लिया था वो जो हॉस्पिटल ये रहा, और ये पूरा ये खुला वातावरण है, और यहाँ पर पूरा गांव से उठता है, यहाँ से दुकानें आपको देखने को मिलेगी। लोग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर।